हेलो एवरीवन किसी ने पूछा है कि इन व्यू ऑफ क्या होता है देखते हैं इन व्यू ऑफ देखिए इन व्यू ऑफ़ का सिचुएशन देख लेते हैं लिखा है कि इन व्यू ऑफ इज अ फ्रेज यानी कि आपको ये एक फ्रेज दिख रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज है कॉमनली यूज टू इंट्रोड्यूस और प्रोवाइड अ रीजन और जस्टिफिकेशन फॉर समथिंग क्या इसका मतलब है कि ज्यादातर क्यों यूज होता है कि आप एक रीज़न या जस्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हो क्या मतलब है देख लेते हैं देखिए लेट्स से लेट्स से कि यहाँ पर कोई व्यक्ति है यहाँ पर कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है अब इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए हमने क्या किया कि इसको एक अवार्ड दे दिया तो मैंने इसको अवार्ड दिया लेकिन मैं उसे जस्टिफाई कैसे करूँगा उसका रीजन क्या था देख रहे टू प्रोवाइड अ रीज़न और जस्टिफिकेशन तो मैं ये बोलूँगा ना कि इसको मैंने अवॉर्ड दिया इसके परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए इसके परफॉर्मेंस को देखते हुए इसके परफॉर्मेंस इसका परफॉर्मेंस वो रीजन है जिसकी वजह से मैंने इसे अवार्ड दिया तो ये जब सेंस आए तो इन व्यू ऑफ लगाया करो यानी कि आम हिंदी में कह सकते हो इन व्यू ऑफ मतलब कि इसको दृष्टि में रखते हुए इसको नजर में रखते हुए इसको विचार करते हुए कि ऐसा है मैंने ये किया देख लीजिए एग्जाम्पल्स देखिए समझ में आ जाएगा देखिए यहां पर है कि इन व्यू ऑफ योर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस वी आर प्लीज टू ऑफर यू अ प्रमोशन अब इसका मतलब क्या हो गया पहले देखिए कि सामने वाला क्या कह रहा है कि वी आर प्लीज हम बहुत खुश हैं टू ऑफर यू अ प्रमोशन हम आपको एक प्रमोशन दे रहे हैं हम बहुत खुश हैं लेकिन हमें प्रमोशन क्यों दे रहे हैं हमने ऐसा क्या देख लिया कि हम प्रमोशन दे रहे हैं तो यहां पर है कि इन व्यू ऑफ योर एक्सिलेंट परफॉर्मेंस यानी कि आपके बेहतरीन परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए, हुए उसको देखते हुए उस पर विचार करने के बाद उसको रीज़न समझते हुए कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है हम आपको प्रमोशन देने के लिए बहुत खुश हैं हम दे रहे हैं आपको तो ये इन व्यू ऑफ है कोई बोलेगा कि क्या हम बिकॉज ऑफ नहीं लगा सकते बिकॉज ऑफ हम लगा सकते हैं लेकिन अगर कहीं पर आपको इन व्यू ऑफ दिखा आ जाए या दिखा हुआ मिल जाए लिखा हुआ मिल जाए तो आप इसको क्या समझोगे तो इन व्यू ऑफ का मतलब आप समझ लो कि अच्छा कि बंदे ने पहले इसको बहुत ध्यान से देखा होगा परखा होगा सोचा होगा और ये ध्यान में रखते हुए उसने यह फैसला किया है तो कहीं ना कहीं एक रिजल्ट होगा और इन व्यू ऑफ कहीं ना कहीं वो कारण बनेगा तो कॉज एंड इफेक्ट वाली फीलिंग इसके अंदर आ रही है और देखिए जैसे इन व्यू ऑफ द टीम्स विक्ट्री अ सेलिब्रेटरी डिनर हैज बिन प्लान फॉर नेक्स्ट फ्राइडे तो इस तरह का डिनर क्यों प्लान हुआ ऐसा क्या हमने देख लिया जिसकी वजह से हमारे मन में आया कि अ चलो एक अच्छा सेलिब्रेटरी डिनर करते हैं एक डिनर को सेलिब्रेट करते हैं इन व्यू ऑफ द टीम्स विक्ट्री यानी कि टीम का विजय हुआ है टीम जीती है उस जीत को ध्यान में रखते हुए हमने प्लान बनाया यानी कि उस डिनर का रीज़न कौन वो विक्ट्री है तो कहीं ना कहीं वो रीज़न छुपा हुआ है आप जस्टिफाई कर सकते हो कि भाई मैंने अगर ये डिनर प्लान किया है तो इसका जस्टिफिकेशन ये है वह टीम की जीत हुई है और आगे देखिए समझ में आएगा इन व्यू ऑफ द टेक्निकल इशूज़ द सॉफ्टवेयर रिलीज़ हैज़ बीन पोस्पोन्ड टू नेक्स्ट वीक यानी कि कहीं ना कहीं टेक्निकल इशू आ गया है आप सॉफ्टवेयर को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो तो सॉफ्टवेयर को आप रिलीज़ करना आपने पोस्टपोन कर दिया आप अगले हफ्ते करोगे क्यों ऐसा क्या हो गया रीज़न क्या है इन व्यू ऑफ द टेक्निकल इशू टेक्निकल इशू को ध्यान में रखते हुए यानी कि हमें पता है कि टेक्निकल इशू है हमें पता है कि वो रीज़न है तो उस रीज़न को गौर करते हुए ध्यान में रखते हुए हमने ये प्लान किया कि पोस्पोन कर दो ठीक है In view of the tight schedule ya schedule, we decided to conduct shorter meetings to save time. yani यानी कि हमने kiya किया है कि भाई अब जो hogi होगी ना बहुत छोटे समय की hogi होगी ऐसा हमने क्यों kiya किया होगा कुछ तो raha रहा होगा ना तो टाइट शेड्यूल है शेड्यूल हमारा इतना टाइट है कि टाइम नहीं मिल रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए भैया मीटिंग को छोटा कर दिया इन व्यू ऑफ द राइजिंग टेम्परेचर टेम्परेचर राइज हो रहा है बढ़ रहा है और हम उसको देख रहे हैं इट इज़ एडवाइजबल टू स्टे हाइड्रेटेड एंड यूज सनस्क्रीन तो ये भैया बहुत एडवाइजबल है ये आपको एक राय दी जाती कि आप खूब पानी वानी पिए हाइड्रेटेड रहें और बाहर निकले तो सनस्क्रीन लगाए यूज सनस्क्रीन मतलब सनस्क्रीन हाँ वही सन से बचने के लिए सनस्क्रीन है वो हाँ वो लगाए तो समझ में आ रहे हैं तो ये होता है इन व्यू ऑफ अब आप चाहो तो इसके अंदर एक मिनट जरा कीबोर्ड इज नॉट वर्किंग देखिए कई बार हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि इन इन व्यू ऑफ यहां पर आप ऐड कर दो द फैक्ट दैट और यहां पर आप एक फुल सेंटेंस दे सकते हो मतलब फुल सेंटेंस मतलब सब्जेक्ट हो वर्ब हो ऑब्जेक्ट हो ये करने के बाद कॉमा लगाकर फिर एक सेंटेंस लगा सकते हो जैसे अब तक जो आप देख रहे थे इन व्यू ऑफ के बाद आप क्या कर रहे थे या कोई ना कोई आप नाउन फ्रेज लगा रहे थे या कोई ना कोई जेरेंट लगा रहे थे अभी देखिए क्या होगा आप ऐसे बोल सकते हो कि इन इन व्यू ऑफ फैक्ट दैट my friend always let's say always helps me always helps me i have decided to decided to give him some money when i लॉट अ लॉट और मैंने एक सेंटेंस ऐसे लिख दिया कि इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट माई फ्रेंड ऑलवेज हेल्प्स मी यानी कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मेरा जो दोस्त है वो हमेशा मेरी मदद करता है मैंने डिस, डिसाइड किया कि भाई मैं उसे कुछ पैसे दूँगा जब मैं बहुत ज़्यादा कमाऊँगा तो अभी जो मैंने इन व्यू ऑफ बोला इस व्यू ऑफ़ के बाद देखो मैंने क्या लगाया द फैक्ट दैट ये लगाने का मकसद मेरा था कि मैं एक नया सेंटेंस जोड़ सकता हूँ क्या फर्क है अगर मैं सिर्फ ऑफ के बाद बोलूं देखिए आपको ऐसे कॉमन सेंस बताता हूं ये जो प्रैपोजिशंस होते हैं प्रेपोजिशन तो प्रेपोजिशन अपने बगल में क्या लेता है या तो वो एक नाउन लेगा या वो एक नाउन फ्रेज लेगा या वो जेरेंड लेगा या हो सकता है वो एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन लेगा राइट तो अगर मैं कहता हूं इन व्यू ऑफ इन व्यू ऑफ तो ऑफ के बगल में मेरे पास वही ऑप्शन है नाउन नाउन फ्रेज वाला ऑप्शन है। अगर मैं कहता हूं कि इन व्यू ऑफ योर परफॉर्मेंस आई एम गोइंग टू प्रमोट यू तो अब मैंने यहां पर जो ऑफ बोला है इस ऑफ के बाद योर परफॉर्मेंस बोला तो ये क्या है एक नाउन फ्रेज है Preposition इसके बाद मैंने नाउन फ्रेज लगाया तो मैं इसके बाद सेंटेंस नहीं बोल सकता हूँ। फ्रेज और सेंटेंस में फर्क है ना फ्रेज के एक छोटा सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन सेंटेंस का मतलब मुझे पूरा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट चाहिए तो मैं ऑफ के बाद वो लगा नहीं सकता ना तो मुझे क्या करना पड़ेगा मेरे मन में कि नहीं यार मैं पूरा सेंटेंस बोलूँ मैं बोलूं कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि तेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी अब तेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी ये पूरा मैं कैसे बोलूँ मैं ऑफ के बाद कैसे बोल सकता हूँ मुझे तो अलाउड ही नहीं है तो अलाउड कैसे होगा ऐसे होगा इन व्यू ऑफ मैं यहाँ पर लगाऊंगा द फैक्ट दैट अब चलेगा इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट तेरी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी तो योर परफॉर्मेंस वॉज मारवलस वेरी गुड जैसा आप वर्ड लगाओ मारवेलस मैं तुझे प्रमोट करने जा रहा हूँ आई एम गोइंग टू प्रमोट यू अब समझ में आ रहा है तो अगर पूरा सेंटेंस बोलना हो तो द फैक्ट दैट भी लगाइए और अगर वैसे नॉर्मल बोलना हो तो आप नॉन फ्रेज वगैरह लगा सकते हैं ठीक है तो ये समझ में आ गया बाकी अगर आपको ये पी चाहिए तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम चैनल है जाइए आप ढूंढिए, इसका नाम है इंग्लिश विद चंदन, टेलीग्राम पे से ढूंढिए, जैसे मिलेगा आप इसको ज्वाइन कीजिए तो मैं आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पीडीएफ मैं उसमें डाल देता हूँ चलिए थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो और वीडियो को लाइक like कीजिए करेंगे तभी मैं आगे वीडियोज़ बनाऊँगा नहीं तो फिर मैं बनाना छोड़ दूँगा चलिए थैंक यू वेरी मच थैंक यू